जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, जा रहे हैं खुश रहें आपकी दुआओं से। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जैसे ये भी पता है, अभी हम लोग अभी गए थे हॉस्पिटल दवाई लेने के लिए, तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों का, एक घंटा हम लोग वहाँ बैठे रहे। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि आज डॉक्टर ही नहीं आएंगे। तो ऐसे किसी मरीज़ को ऐसे तंग करना अच्छी बात तो नहीं है। काफ़ी पेशेंट आए हुए थे वहाँ पर, तो सबको बोल दिया कि आप सब जाएँ, कोई डॉक्टर नहीं आएगा, सब डॉक्टर जो है हड़ताल पर चले गए हैं। छोटे छोटे बच्चे वाले सब आए हुए थे, मैं भी गई थी अपने बेटी की दवाई लेने के लिए, उसको 3 दिन से बुखार नहीं उतरा था। तो अर्जुन के पापा ने आज बोला था कि आप इनकी दवाई लाजमी ले आना, तो मैंने स्कूल की छुट्टी भी करवाई और गए भी वहाँ। इतना टाइम भी लगा, इतनी दूर हॉस्पिटल है वहाँ गई थी, तो उसके बाद भी हम लोगों को दवाई नहीं मिली। फिर वापसी आ गई, वापसी आके आपको पता है फिर वही किचन में खाना वाना पकाना, काम करना। काम तो खैर मैंने सुबह ही कर लिया था अपना सारा, और अब रह गया था दोपहर का खाने का। तो दोपहर के खाने में मैं क्या बना रही हूँ वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी घर के ब्लॉगिंग हो रही है ना, तो बाहर जाना नहीं हो रहा, क्योंकि अभी इनके पापा को टाइम भी नहीं मिल रहा है ना बिल्कुल भी। वो देर से आते हैं, फिर आगे उनको मैं परेशानी करती कि बाहर लेके जाओ ना। तो इसलिए जो घर की वीडियो होती है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी हमारे घर की रूटीन है, क्या है, क्या पकता है क्या नहीं, सब आपके साथ। और थैंक यू सो मच जो हमारी वीडियो पर इतना प्यार दे रहे हैं, आप इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। बस ऐसे हमारे साथ बने रहे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं सबसे पहले खाना। तो खाने में मैं क्या बना रही हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और बताती हूँ सबसे पहले कि आज मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। तो ये समझ लो हमारे घर में फेवरेट है ये चीज़ जो बनती है ना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखो मैं बना रही हूँ अब सब्ज़ी, ठीक है। काफ़ी लोग जो होते हैं ना वो बैंगन का छिलका नहीं उतारते हैं, वो ऐसे ही बनाते हैं ना। तो हमारी अम्मी जो पंजाब में बनाती है ना, तो हमारी अम्मी भी बैंगन का छिलका जो है नहीं उतारती, वो ऐसे बनाती हैं। और वो अदरक लहसुन भी डालती हैं, लेकिन मैं जैसे हमारी सास बनाती है तो अदरक लहसुन वगैरह डाल के वैसे बनाती हूँ, और छिलका उतार के हम लोग बनाते हैं। छिलके के बगैर अगर बन भी जाए तो कोई नहीं खाता, इसलिए मैं छिलका हमेशा उतार के तो फिर बनाती हूँ। और ये खड़े खड़े नहीं बनते, बिल्कुल घुट जाते हैं ये, फिर जब भी तो चावलों के साथ अच्छे लगते हैं। और मेरी छुरी भी तेज़ नहीं है, फिर मैं तेज़ करती हूँ, ठीक है। चलो मैं सब्ज़ी तैयार कर लेती हूँ, तो फिर मैं अपनी खाती हूँ। चावल हमारे हो रहे हैं बॉयल, ठीक है। चावलों को हट चुका है और सब्ज़ी मैंने सारी काट के रख ली है, अब मसाला मैं पीसने लगी हूँ, ठीक है। तो बस चावलों को मैं पहले कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद फटाफट से सब्ज़ी चढ़ा दी। देखो प्याज हो गया हमारे लाल, अब इसमें डाल देती हूँ मैं सारा अदरक लहसुन, हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह जो मैंने पीस लिया था, एक ही जगह सारा मसाला बना लिया मैंने, ये जगह सही रहता है। बस इसकी थोड़ी सी करते हैं भुनाई, इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, आप ये ऐसे करते हैं। और जो मेरे चावल हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, देखें सही है, चावलों को मैंने तैयार कर लिया। और बस ये तो बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। फटाफट से खाना बनाते हैं और लाइट भी हमारी आने वाली है, सही है। तो फिर उसके बाद डालते हैं अपने आलू और बैंगन। तो चलिए देखिए मैंने इसमें डाल दिए हैं अपने बैंगन, सही हो गया। और ठक ठक की तो आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना पूछो मत, इतने शैतान ना सारा दिन ये मुझे तंग करते हैं। सारा अपने पापा का सामान, सारे मेरी पतीलिए गिलास सब कुछ निकाल के बैठे रहते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके कि वो क्या कर रहा है बैठे। इसमें डाल दिया है पानी और अब इसको करते हैं कवर और उसको देते हैं पकने के लिए, छोड़ देते हैं। ये देखो इनकी शरारत है, ये देखो इतना ही मुझे तंग करते हैं ना, किसी के बच्चे इतना तंग करते हैं, मुझे कमेंट्स में बताना है कि मुझे बहुत तंग करते हैं ये दोनों। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे बैंगन हो गए हैं तैयार, ठीक है। मैंने हरा धनिया वगैरह डाल दिया है, ठीक हो गया, खाना बन गया। बस ऐसे हमारे साथ बने रहे। तो अभी लेके आए हैं सामने बच्चों को, अभी वहाँ बैठते हैं पार्क में, तो फिर आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से हम भी ठीक ठाक हैं। उमर वरा उमर आओ आओ बेबी। तो आज हम लोग लाए हैं पार्क, बोर हो रहे थे तो हमने कहा आज चलो बच्चों को सैर कराएं। और बच्चों ने ला भाई मेरी चीज़ तो दो, हाँ अपनी अपनी, तुम लोग अपने पापड़ और मैंने लिए अपने लिए दाल मोड, और हम लोग लिए पापड़ और इनके लिए लिए हैं पापड़, हाँ पापड़। और यहाँ बैठेंगे हम लोग घास पे, काफ़ी फैमिली आई हुई है यहाँ पे। सही बनाई है दाल मोट, हाँ दाल मोट सही है, ये गीली तो नहीं है घास कहीं, नहीं हाँ बेबी मुँह खोल रहा भाई,
बेबी होगा। मैं पानी नहीं लाई, मिर्ची लगेंगी तो पानी नहीं है यहाँ पर। मिर्ची मैंने डलवाई नहीं है, ठीक ही बनवाई थी, फिर तो खा लेंगे। यहाँ बैठे हैं अभी खाने लगे। दाल मोड़ खाने का अपना ही मजा है, बच्चों का इतना खा रहे हैं कि दाल मोड़। बेबी बैठो, बेबी खाएगा अभी, खोल के देते हैं इनको। अभी इनको लगेंगे मिर्चे, क्योंकि ये पापड़ हम लोग चने लेके आए ना, ये लेके आए हैं हम लोग मिर्चों वाले, अभी नहीं लगेंगे। आलू आलू बहुत मिर्ची वाले, पापड़ तो खा पीते हैं ना बेबी, चलो खाते फिर। और ये किसने किसने आलू पापड़ खाने वो आ जाए हमारे पास। हाँ। और बहुत ही मज़ेदार हैं आलू पापड़। बेबी की तो मिर्ची लग गई है, खाना में मिर्ची लग रही है उसके। अब नहीं खाना, दाल मोट बिल्कुल फीकी है। दाल मोट फीकी बनवाई थी आज, और आलू जो है ना काफ़ी मिर्ची वाले। और आलू कैसे खाते हैं, ऐसे लगाते हैं यूँ, और यूँ ऐसे आया मुँह में गया, और मुँह में गया। हाथी बहुत ऊपर है, गिर जाओगे वहाँ से। इसके ऊपर कौन बैठता है पहले ये बताओ मुझे, बोलता है मुझे इसके ऊपर बिठाओ। हाथी के ऊपर तो बैठता है मगर बहुत ऊपर है, ऊँचा बहुत है, गिर जाओगे। यहाँ आके बैठे हम लोग अभी। हाँ, हमने खाना पीना अपना फिनिश कर दिया, पानी और अब मिर्ची लग रही है। हाँ, बच्चों को भी मिर्ची लग रही है, और पानी हम लोग लेके नहीं आए थे, अभी ढूंढते हैं पानी मिल जाए यहाँ कहीं से। पीछे सारा तो बच्चे खेलने में लगे हैं। हाँ, आज माशाल्लाह काफ़ी रश है पार्क में, जब नया पार्क बना है, अच्छा है ये फैमिली के हिसाब के लिए, बिल्कुल सही बना हुआ है, बहुत बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। इधर आ जाओ, इधर सामने आओ, हमारे सामने खेलो, ये मिट्टी में जाके खेल रहे हैं। हाँ, उधर जाके खेलो, जाओ। सब कपड़े गंदे कर लेते हैं बच्चे, मट्टी मट्टी कर तो दिया करेंगे क्या। ये गोल किया, गोल चाहते हैं, गोल किया, फुटबॉल खेलने बच्चे लड़के सब। इधर आज कुछ ज़्यादा हवा चलती है ना, खुली जगह है ना, हल्की सी ठंडा गया हवा में। मगरिब होने वाली, हम लोग घर चलते हैं अब, सही है। बेबी कहाँ है, बेबी तो फिर आगे निकल जाता है। चलो ये एंड करते वीडियो का, घर चलते हैं, बस अब एंड करते हैं वीडियो का, घर चलते हैं, मगरिब होने वाली है। उमर उमर घर चले, बेबी को कहता नहीं घर नहीं जाना, नहीं जाओगे मगर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, चलते चले ही, हम लोग चलते हैं अपने घर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।